सोलन में नशे का काला कारोबार अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है। चिट्टा चरस और अफीम बेहद अधिक मात्रा में पुलिस पकड़ रही है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे के इस कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस ने एक युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेरबा के इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने जल्द पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादातर युवा इस नशे के कारोबार में फंस रहे हैं, लेकिन सोलन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इस नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ने का हर संभव प्रयास करेगी। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने कहा कि पुलिस की एक टीम शांति में गश्त कर रही थी, तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो उन्हें देखकर घबरा गया था और मौके से भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस की टीम ने उस युवक को काबू किया और उसके पास से 93.20 ग्राम चरस बरामद की। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया 24 वर्षीय युवक सुनील नेरबा का रहने वाला है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिससे मिली जानकारी के अनुसार उन स्थानों पर रेड की जा रही है जहां से ये चरस खरीद कर लाया था। शाम को करीब 4 बजे के लगभग हेड कांस्टेबल फयाज खान के नेतृत्व में पुलिस के थाना के और भी कर्मचारी थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे शांति में। तो जब ये काली माता मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ भी एक शेल्टर है, शेल्टर में एक व्यक्ति सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक माइक्रो बैग था। तो वो पुलिस की जो पार्टी है उसको देख के भागने लगा, तो पुलिस वालों ने उसको रोका। रोक के जब उसको बैग को चेक किया तो उसके अंदर से 93.20 ग्राम जो है चरस बरामद हुई है। तो ये व्यक्ति जो है इसका नाम सुनील है और ये निर्भा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। इससे पूछताछ की गई और इसको मुकदमा हाजिर में गिरफ्तार किया गया। और जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो जहाँ जहाँ पे इसने ये बताया कि मैं जहाँ से ओरिजिन से लेके आया था वहाँ पे रेड की जा रही है। आज पुलिस दल वहाँ पे भेजा गया रेड करने के लिए और ये भी जांच की जा रही है कि ये व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में था।